प्रबंधक मुनेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह आरपीएस पब्लिक स्कूल गगहा की तरफ से क्षेत्र की सम्मानित जनता को नववर्ष मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभा सदवार्ड नंबर 12 नगर पंचायत उनुवल मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर उत्तर प्रदेश योगेश वर्मा की तरफ से क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिहरपुर निवासी अभियुक्त विशाल सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत किया गया कुर्क। डीआईजी बंगले के सामने हॉस्पिटल पर वर्चस्व को लेकर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 550/2022 धारा 506 307 भादवी थाना कैंट जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी हरिहरपुर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से खरीदी गई दो पहिया और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। उक्त गैंगस्टर एक्ट की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार द्वारा किया जा रहा है। बड़हलगंज पक्का घाट कुटिया मोहल्ला में स्थित नरसिंह भगवान मंदिर से मूर्तियां चोरी। बड़हलगंज कस्बा स्थित सरयू नदी के किनारे पक्का घाट कुटिया मोहल्ला में स्थित नरसिंह भगवान मंदिर से पीतल की 7 मूर्तियां चोरी हो गई हैं, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आनन फानन में भीड़ भी जुट गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मूर्तियां बहुमूल्य धातु की बताई जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन खोज में जुट गई है। हल्की बूंदाबांदी फसलों के लिए अच्छी। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मौसम का मिजाज काफी बदल रहा है। कभी हल्का बूंदाबांदी देखा जा रहा है तो तभी स्थिति साफ देखी जा रही है, कभी धुंध कोहरा देखा जा रहा है। ऐसे में फसलों के लिए अच्छी स्थिति बताई जा रही है। हमारा नाम महात्मा है। मौसम का क्या हाल है इस समय? मौसम ठंडा चलता है। मौसम ठंडा चलता है 4-5 दिन से। कोहरा भी खूब गिरता है। कोहरा तो एक दिन गिरा है। अच्छा अच्छा तो, और जो आज बारिश हुई है उससे क्या लाभ है कि हानि है? उससे तो मतलब नुकसान, खेत में तो फायदा ही होगा। खेत में फायदा होगा, लेकिन यह है कि फिर भी ठंड बढ़ जाएगी। ठंड बढ़ जाएगी और बढ़ी रहे बढ़ती जाएगी हो सकता है बारिश से। लाभ भी है नुकसान भी है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महाविद्यालय भटवली बाजार में लिया गया शपथ। बासगांव सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राकेश कुमार ओझा ने सड़क सुरक्षा के महत्ता को समझाते हुए मानव जीवन मूल्य की बात कही। उसके बाद श्रीमती क्षमा सिंह ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा में नियमों का पालन कर उद्देश्य बनाकर स्वयं एवं दूसरे अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। प्राचार्य डॉक्टर धनंजय सिंह ने वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं के साथ सड़क सुरक्षा के शपथ ग्रहण में भाग लिए। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रेश पांडे एवं जगदीश हरिलाल भी उपस्थित रहे। बासगांव में जगह जगह जले अलाव, तहसील प्रशासन मौन। बासगांव तहसील मुख्यालय के आसपास जगह जगह अलाव की व्यवस्था समाज सेवी अमरजीत सिंह के द्वारा कराई जा रही है। तहसील प्रशासन पूरी तरह से मैं आपका लाल चंद गुप्ता। अलाव की व्यवस्था हो गई है? हाँ, अलाव हो गई है। कौन जलवा रहा है? अमरजीत सिंह जलवाए हैं। ये कौन है? नगर पंचायत बासगांव। तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक जलवाया गया? तहसील प्रशासन। और क्या नाम है आपका? गोलू पटवा। ये अलाव की व्यवस्था कौन करा रहा है? अमरजीत सिंह। क्या नाम है आपका? ईद मोहम्मद। अलाव की व्यवस्था हो रही है जगह जगह? हो ही है। मस्जिद भैया के वजह से हर जगह पर जलाया जा रहा है। क्या नाम है बाबू? अलाव की व्यवस्था हो रही है नगर पंचायत में? अलाव जल रहा है हर जगह। सावित्री ज्वेलर्स कौड़ीराम में हुई भीषण चोरी। बुधवार की बंदी के बाद गुरुवार को जब उन्होंने दुकान खोला तो देखा कि उसमें 40,000 रुपये नकद, 20 ग्राम सोने
व चांदी के गहने की चोरी हो गई थी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बताते चले थी चोर छतरास थे, दुकान में घुसकर चोरी किए हैं। सावित्री ज्वेलर्स बुधवार बंद ही रखते हैं हम। आज सुबह जब शटर खोले हैं तो देखे ये दरवाजा पीछे से हम लॉक करते हैं, बाकी ये अंदर से, तो ये भी खुला हुआ था, तो ये भी खुला हुआ था, तो हम कहें हो सकता भूल गए हम। तो फिर देखे हैं यहाँ तो सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, हमको शक हुआ है, अंदर एंट्री किए, देखे सब भर गया मेरा, और कुछ किलो नथनी यही सब था रैक में, और बाकी नकदी वगैरह था, और ये सब गायब है बाकी, और अंदर नहीं बाहर के ऊपर से सीढ़ी के रास्ते आए दरवाजा तोड़ करके, लगभग 40-45 हज़ार नकदी और 2 से 2.5 ग्राम 200-250 ग्राम के आसपास की। किस चीज की थी? सोने की। कितना वजन रहा होगा सर? 200-250 ग्राम के आसपास। सोने का कील? हाँ। और चांदी का? चांदी का एक 100 ग्राम का बटिया था, वो गायब हुआ है, और कुछ आर्टिफिशियल 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी थी उसमें। हाँ, DVR पूरा निकाल ले गए हैं, तार काट करके दिखती वहाँ से, DVR भी नहीं है। गोला उपनगर चंद चौराहे पर जरूरतमंदों और निराश्रित व्यक्तियों में थानाध्यक्ष गोला ने किया कंबल वितरण। गोला गोरखपुर। गोला उपनगर के चंद चौराहे पर गुरुवार को थानाध्यक्ष गोला अश्वनी कुमार तिवारी ने देर शाम पहुंचकर अपनी उदारता का परिचय देते हुए जरूरतमंदों व निराश्रितों गरीब असहायों में ठंड से निजात दिलाने के लिए कम्बल वितरण किया। गरीब असहाय निराश्रित लोग कंबल पाकर थानाध्यक्ष गोला के मुराद बन गए। कंबल वितरण के समय उनके साथ चलने वाले हमराही व चंद चौराहे पर तैनात पिकेट के लोग उपस्थित रहे। 10,000 रुपए का इनामिया गैंगस्टर एक्ट का वांछित सातिर अपराधी गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के नेतृत्व में गठित थाना बढ़लगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना उरुआ बाजार जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 176/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना उरुआ बाजार जनपद गोरखपुर से संबंधित वांछित अभियुक्त राज यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी रायपुर थाना उरुआ बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 10,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पिपराइज के पत्रकार विमलेश पांडे को सम्मानित किया, जिसको लेकर क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। विधायक ने मुख्यमंत्री से सहजनवा सीएचसी पर अत्याधुनिक सुविधाओं व डॉक्टरों की तैनाती की मांग किया है। गीडा थाना क्षेत्र के साथीपार गांव के बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। खसनी तहसील अंतर्गत नगर पंचायत टेकवार चौराहा के रामलीला मैदान में ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट के प्रथम दिन मैच भीटी रावत बनाम मरवटिया के बीच खेला गया। सहजनवा ब्लॉक के प्रधानों ने मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान समय से न कराने के कारण आपको सिर्फ प्रधानों ने डीसी मनरेगा राममणि वर्मा का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और तत्काल भुगतान करने की मांग किया। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी खुर्द में देर शाम युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपितों को थाना पुलिस ने रात तरकुलहा मंदिर गेट से गिरफ्तार कर लिया।